जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू रॉ इंस्टीट्यूट। बेटा आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा JNV यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म को लेकर के। बहुत ही इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है बेटा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है दो बार पेपर होंगे। जो क्लास सिक्स के फॉर्म निकले हैं, जो कि आपका 19 जून से फॉर्म चल रहे हैं, और लास्ट डेट जो है आपकी 10 अगस्त बताई जा रही है। तो क्या इस बार वास्तव में दो बार पेपर होंगे या इसके पीछे क्या कारण है? तो इसको लेकर के यूट्यूब के कई चैनलों पर मैंने देखा बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा, क्या वास्तव में दो एग्जाम होंगे या एक ही पेपर होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा इसके एप्लीकेशन को लेकर के, ठीक है। अगर हम बेटा इसके एप्लीकेशन की बात करें, मतलब ये कब से फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं, बेटा एप्लीकेशन कब से बिगिन हुआ है, तो ये आपका 19 जून से फॉर्म चल रहा है बेटा, जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा, ठीक है। 19 जून से आप लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास अभी तक कई ऐसे मैसेज आ चुके हैं सर कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, पता नहीं चल पा रहा है, और इसी के चलते बेटा काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम छूट जाते हैं, फॉर्म नहीं भरते हैं। जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं वो फॉर्म ना भर पाने की वजह से उनका एग्ज़ाम छूट जाता है और उनके सपनों पर पानी फिर जाता है, जो कि JNV में अपना एडमिशन्स चाहते हैं। तो बेटा लास्ट डेट जो है इसकी 10 अगस्त है, ठीक है। कब है? 10 अगस्त 2023। 10 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। आज हो गया बेटा 31 तारीख, 31 जुलाई है और कल 1 तारीख। 10 दिन आप लोगों के पास बचा हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि बेटा लास्ट मोमेंट पे जब एक साथ साइट पर फॉर्म भरते हैं तो कभी कभी साइट जो होती है वो बंद हो जाती है या साइट पर एरर आ जाता है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म डिक्लाइन भी हो सकता है, ठीक है, या फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। तो ऐसी समस्याएं बेटा आप लोगों के साथ उत्पन्न ना हो, उसके लिए आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये फॉर्म केवल JNV की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जा करके भरना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी एक और समस्या है कि सर किस एज ग्रुप के लोग इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो बेटा ये तो आपको पता होगा कि जो बच्चे क्लास फिफ्थ में हैं केवल वही एलिजिबल हैं। जो बच्चे क्लास फिफ्थ में हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ना कोई फोर्थ का भर सकता है ना कोई सिक्स का भर सकता है, ठीक है। केवल और केवल क्लास फिफ्थ के बच्चे फॉर्म भरेंगे जिसका एडमिशन क्लास सिक्स में नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेटा इसकी एज लिमिट क्या है, ठीक है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो बेटा बहुत ध्यान से देखना, जो भी हमारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्योरी होती है आप लोगों की, बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि इसकी एज लिमिट क्या है, ठीक है। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था, उन्होंने पूरे साल किसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने तैयारी कराया, लेकिन बच्चे का एज लिमिट 2011 था, सन 2011 में बच्चे का बॉर्न हुआ था, जिसकी वजह से पूरी तैयारी तो उन्होंने किया लेकिन वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया। कहीं ऐसी गलती आप अपने बच्चों के साथ तो नहीं कर रहे हैं? इस चीज़ पर आप लोग जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। एज लिमिट जो है आपका 1 मई 2012, ध्यान से सुनिएगा, 1 मई 2012, 1 मई 2012 से लेकर के 31 जुलाई, क्या 31 जुलाई 2014। अगर इसके बीच में आपके बच्चों का बॉर्न हुआ है या आपका बॉर्न हुआ है बेटा, जो JNV के लिए तैयारी कर रहे हैं वही केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या 1 मई 2012 से लेकर के 31 जुलाई 2014 के बीच जिनका जन्म हुआ है केवल वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या सर अगर मेरा जन्म 1 मई 2012 को हुआ है तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल भर सकते हैं। इस डेट के बीच में प्लस अगर इस डेट को भी आपका जन्म हुआ है बेटा तो आप एलिजिबल हैं। मतलब 1 मई 2012 को अगर आपका जन्म हुआ है या 31 जुलाई 2014 को भी हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं,
ठीक है। तो ये तो हमने बात की एज लिमिट को लेकर के। अगर किसी भी बच्चे का जन्म 30 अप्रैल या 31 क्या 30 अप्रैल को हुआ है 2012, एक दिन पहले, अगर इस डेट के एक दिन भी पहले है यानी 30 अप्रैल 2012, तो बेटा वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। कुछ पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर एक दिन कम है तो क्या हम एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल नहीं है। या आप 31 जुलाई की बात कर रहे हैं जो कि आज की डेट है लेकिन 2014, अगर आप 1 अगस्त 2014 में पैदा हुए हैं तो बेटा तब भी आप एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस डेट को या इस डेट के बीच में अगर आपके बच्चे का बॉर्न हुआ है तभी आप एलिजिबल होंगे। तो आप सब इस चीज को नोट कर लीजिए क्योंकि ये एज क्राइटेरिया को लेकर के बहुत ही समस्या आप लोगों को होती है। ये जेएनवी के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं सर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या इस बार 2024 में जो जेएनवी का पेपर होगा क्या सर दो बार होगा या एक बार होगा? तो बेटा बहुत ही यूट्यूब पर आप देखेंगे तो आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, ठीक है, कि इस बार दो बार एग्जाम होंगे। दो बार एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम एक ही होगा। तो सर नोटिफिकेशन में तो दो डेट दी गई है, एक डेट आपका है 4 नवंबर 2023 और एक डेट आपका दिया गया है क्या 20 जनवरी 2024। तो ये क्या है सर? आपके नोटिफिकेशन में जो एग्जाम डेट दी गई है वो एक है 4 नवंबर 2023 और एक है 20 जनवरी 2023। तो क्या सर दो एग्जाम है? नहीं बेटा, अगर आप नोटिफिकेशन को स्पष्ट रूप से पढ़ोगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो 4 नवंबर 2023 है ये कुछ स्टेट में है, जैसे उत्तराखंड के कुछ जिले हैं, हिमाचल प्रदेश में कुछ जिले हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ जिले हैं। तो कुछ जिलों में जो पेपर होगा बेटा वो 4 नवंबर को, क्योंकि इस बार दो फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया। ध्यान रखना, दो बार एग्जाम नहीं देना है, दो फेज में एग्जाम देना है। पहला फेज होगा बेटा 4 नवंबर 2023, दूसरा फेज होगा बेटा आपका 20 जनवरी 2024। तो कुछ बच्चों का जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें लिखा होगा कुछ बच्चों का 4 नवंबर 2023 को होगा और कुछ बच्चों का 20 जनवरी 2024 का होगा। जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब बेल्ट में जो होगा बेटा ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होंगे उसकी डेट 20 जनवरी 2024 होगी और कुछ बच्चों का या कुछ स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट का जो एग्ज़ाम है वो 4 नवंबर 2023 है। आई होप बेटा कि आपको ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो चल रहा है इसे फॉर्म को लेकर के आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या अगर मैं बिहार से सिवान ज़िले से हूँ तो क्या मैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले से फॉर्म भर सकता हूँ? तो आंसर है नहीं, ठीक है। आप जिस ज़िले के हैं, जिस ज़िले का आपका सर्टिफिकेट है बेटा, केवल और केवल आप उसी जिले में फॉर्म, मतलब कि उसी जिले के जेएनवी स्कूल में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बिहार के सिवान ज़िले से हूँ तो मैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले से फॉर्म नहीं भर सकता। मैं यूपी के बुलंदशहर ज़िले से हूँ तो मैं यूपी के अलाहाबाद ज़िले से फॉर्म नहीं भर सकता। इसका मतलब है सर कि मेरा जो रेसिडेंट है, जो मेरा निवास स्थान है और जहां से मैंने 5वीं क्लास की है, मैं केवल और केवल वहीं से नवोदय विद्यालय 6ठी क्लास में प्रवेश ले सकता हूं, ठीक है। तो आई होप बेटा जिन भी पेरेंट्स के जो डाउट्स थे वो आज की क्लास से क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है बेटा 19 जून से ही, ये जुलाई भी खत्म हो गया है, लास्ट डेट केवल 10 दिन आपका बचा हुआ है, 10 अगस्त 2023 इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप जल्द से जल्द जिन बच्चों ने नहीं भरा है पहले फॉर्म भर लीजिए बेटा। सैनिक स्कूल से भी कठिन फॉर्म होता है आपका जेएनवी का, जवाहर नवोदय विद्यालय का। फॉर्म में अगर थोड़ी सी भी आपने एरर किया
ठीक है, आपने आपका रेसिडेंट और कहीं है और आपने फॉर्म कहीं और से भर लिया, तो बेटा वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, आप स्वयं से नहीं भरेंगे, ठीक है। क्लास फिफ्थ में होना कंपलसरी है। एज लिमिट 1 मई 2012 से लेकर के 31 अप्रैल, ये 31 है बेटा, 31 जुलाई 2014 के बीच में या इसी तारीख को जिन बच्चों का एग्जाम हुआ है, सॉरी जो बॉर्न हुआ है, वही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। दो फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। एक की तारीख है बेटा 4 नवंबर 2023 और दूसरी है 20 जनवरी 2024। एग्जाम एक ही है, या तो इस तारीख पे आपका एग्जाम होगा या तो इस तारीख पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। आई होप जो समस्या थी, जो क्योरीज थी, आप लोगों को वो समझ में आया होगा। तो बेटा जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और यदि कोई अपडेट आता है जेएनवी को लेकर के, सैनिक स्कूल को लेकर के, आरएमएस को लेकर के, या फिर आपका नवोदय विद्यालय, तो वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेटा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए नहीं कि हमारा कोई बेनिफिट हो बेटा, इसलिए कि आप भी हमारे परिवार का एक सदस्य बन सकें। और यदि आपको इससे स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या होती है या कोई ऐसा नोटिफिकेशन होता है, तो हम आपके सामने ला सके। और इसका आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम वीडियो लाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे, रॉ इंस्टीट्यूट के सदस्य बन जाएंगे। तो बेटा इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ, उस कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगली वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करेंगे। 10 के बाद जो भी नोटिफिकेशन आती है हम सबसे पहले आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।